युवा शक्ति का मतलब है युवाओं को एक शक्ति बना करके पूरे वाल्मीकि समाज में एक संकेत देना चाहते हैं कि जब तक वाल्मीकि समाज पूरे भारत का एक नहीं हो जाता, जब तक बच्चा बच्चा शिक्षित नहीं हो जाता, अपने महत्व को नहीं पहचानता है, तब तक ये युवा शक्ति में जो कार्य कर रहे हैं नौजवान साथी, तब तक ये रुकने का नाम नहीं लेंगे। वाल्मीकि समाज को क्या अपना मैसेज देना चाहते हो आप? मैं वाल्मीकि समाज को मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे युवा है शिक्षा पे ध्यान रखें और ये दारू वारू के जो नशे करते हैं उनको छोड़ दिया जाए और बच्चों को आगे पढ़ाया जाए। वो वाली बात है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया और पढ़ेगा समाज तो बढ़ेगा समाज। धन्यवाद। मैं चीज़ें हमारे समाज में इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी हमारा शोषण खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, उसके जिम्मेवार हम खुद हैं। जितने भी समाज वाल्मीकि समाज का युवा है एकजुट हो जाओ, अभी भी टाइम है। सभी आपको अपने फायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं, आपका कोई नहीं है। आपका बचाव आप अपना खुद कर सकते हो, बाकी आपको दूसरा कोई बचाने वाला नहीं है। जय वाल्मीकि जय भीम। मैं आपको भाई दिनेश वाल्मीकि, वाल्मीकि ज्ञान से। साथियों, आज हम पहुंचे हैं सैनी गांव में और सैनी गांव में जो है युवा शक्ति एकता मिशन के जो पदाधिकारी हैं, ये एक यूनियन है जो कि लोगों को इकट्ठा करके, वाल्मीकि समाज को इकट्ठा करके उन्हें एक जोड़ने का कार्य कर रही है। तो उनके पदाधिकारियों से आपकी बात कराते हैं। तो आइए साथ ये बात कराते हैं आपकी युवा शक्ति एकता मिशन के कुछ पदाधिकारियों से। सबसे पहले सुमित भाई से हम आपका परिचय कराएंगे। सुमित भाई नवेड़ा से हैं जी। आज जो आपने कैंप लगाया है वाल्मीकि समाज को जोड़ने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, इसका मेन उद्देश्य क्या है? जो युवा शक्ति मिशन एकता जो वाल्मीकि समाज का एक संगठन है, जो कि हमारा काम वाल्मीकि समाज को एक करना है और सारी चीज़ें समझानी है कहाँ हम कमज़ोर हैं, किन किन चीज़ों पर, किन किन मुद्दों पर हमें काम करना है। तो जहाँ पर भी ये वीडियो जाएगी, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं वाल्मीकि ज्ञान से अपने दिनेश भाई का कि आप लोग समाज के बीच में आइए सारी चीज़ें कवर करने के लिए और आगे भी ऐसे ही सहयोग करते रहें। मेन चीज़ें हमारे समाज में इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी हमारा शोषण खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, उसके जिम्मेवार हम खुद हैं। जितने भी समाज वाल्मीकि समाज का युवा है एकजुट हो जाओ, अभी भी टाइम है। सभी आपको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं, आपका कोई नहीं है। आपका बचाव आप अपना खुद कर सकते हो, बाकी आपको दूसरा कोई बचाने वाला नहीं है। अपनी बहन बेटी के सम्मान में, अपने बुजुर्गों के सम्मान में एकजुट होकर खड़े हो जाओ, तभी जाकर आप खुद अपने आपके अपने साथ में न्याय कर सकते हो। क्यों किसी के आगे हाथ जोड़ते हो? शोषण जो हो रहा है फिलहाल अभी वाल्मीकि समाज पर, बाकी सब समाज आपसे कितने ऊपर चले गए हैं। आप पीछे हो तो अपनी छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटे छोटे मनमुटाव होते हैं, वहाँ पर आप अपनी एकता को ख़राब करने का काम करते हो। अब सबसे पहला जो पॉइंट है, अपने समाज को एक करें। जो वाल्मीकि युवा शक्ति है एनी टाइम अपने समाज के लिए खड़ी है, अपने बुजुर्गों के, अपने महिलाओं के सम्मान में खड़ी है और ऐसे ही खड़ी रहेगी। शिक्षा पर ध्यान दें, योगदान ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज को करें ताकि आपका समाज मजबूत हो सके, हर एक दुख की घड़ी में, हर एक परेशानी में आपके साथ खड़ा हो सके। डरे बिल्कुल ना, हर एक आदमी आपके साथ है। धन्यवाद जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रपाल प्रधान जी। यहीं से ही है, सैनी से? सैनी गांव से जी। वाल्मीकि समाज को क्या अपना मैसेज देना चाहते हो आप? मैं वाल्मीकि समाज को मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे युवा है शिक्षा पे ध्यान रखें और ये दारू वारू के जो नशे करते हैं उनको छोड़ दिया जाए और बच्चों को आगे पढ़ाया जाए। और विनती यही करते हैं कि भविष्य में हमारी कभी जरूरत पड़ती है, समाज की जरूरत पड़ती है, तो समाज एकत्र होने में टाइम ना लगाए। ये आपसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है। धन्यवाद। नाम आपका? मेरा नाम रमेश चंद है, मैं गांव सैनी से ही हूँ जी। हाँ जी। तो वाल्मीकि समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? वाल्मीकि समाज कैसे आगे बढ़े? जो वाल्मीकि समाज के ऊपर शोषण हो रहा है वो कैसे रुके? आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, वाल्मीकि समाज के साथ तो शुरू से ही शोषण होता आ रहा है और ये जो हमारी जात को, ये वाल्मीकि जात को जो है ना, हर एक जगह दबाया जाता है हर एक तरीके से। तो मैं तो यही कहता हूँ कि आगे आने वाली जनरेशन में हमारे जितने भी बच्चे हैं वो पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें, ठीक है जी। और अपने हक से लें, और अगर वैसे ना मिले तो ज़बरदस्ती लें। क्यों? कि हमारा हक है, उसे हम लेके रहेंगे और लेते रहेंगे। या अगर हमारे अंदर एकता यूनिटी है, हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तो वो ले सकते हैं इस चीज़ को। तो हम तो यही चाहते हैं, अगर हमारे बच्चे शिक्षित हों और आगे बढ़ें और जी क्या नाम, अपना हक के लिए लड़ते रहें और अपना हक लेके। जी सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेश कुमार छजलाना है जी। आप वैसे कहाँ से हैं? वैसे तो युवा शक्ति मिशन एकता से हैं।
युवा शक्ति मिशन कोई संगठन नहीं है, युवा शक्ति मिशन जो है वो कोई पार्टी नहीं है, कोई दल नहीं है। युवा शक्ति का मतलब है युवाओं को एक शक्ति बना करके पूरे वाल्मीकि समाज में एक संकेत देना चाहते हैं कि जब तक वाल्मीकि समाज पूरे भारत का एक नहीं हो जाता, जब तक बच्चा बच्चा शिक्षित नहीं हो जाता, अपने महत्व को नहीं पहचानता है, तब तक ये युवा शक्ति में जो कार्य कर रहे हैं नौजवान साथी, तब तक ये रुकने का नाम नहीं लेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निकेत है। आप यहीं से? मैं सादुलपुर से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेरा मोटिव है समाज के लिए, ये कि अपने समाज को आगे बढ़ाना, क्योंकि मेंटेलिटी है कि हमने, किसी ने हमको रोका नहीं हुआ है, हमने रोका हुआ अपने अपने आप ने, हमको अपने आप ने रोका हुआ है, हमारे समाज ने रोका हुआ है। तो जिस दिन हम अपने समाज के साथ जुड़ के कार्य करके, अपने एजुकेशन के साथ, अपनी मेंटेलिटी, अपने थॉट्स को और वे ऑफ टॉकिंग को बदल के जिस दिन अपने काम करना सीख जाएंगे, समाज में इज्जत से रहना सीख जाएंगे। सबसे पहली बात है, हम एजुकेशन नहीं है हमारे पास, हम कहीं जाते हैं बैंक में, कॉलेज में, कहीं एक फॉर्म नहीं भर पाते, अनपढ़ता इतनी है हमारे लोगों में। जिस दिन ये अनपढ़ता अनएजुकेशन जो जिन जिन क्लियर हो जाएगी, उस दिन हमारा समाज ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता चलेगा। वी हैव टू पुश द आवर समाज, हमें अपने समाज को बस पुश करना है, थोड़ा सा संगठन में रहना, जैसे भीमराव अंबेडकर के तीन थॉट्स है, संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षित रहो। तो हमारे बस यही है, हम गांव-गांव जाके लोगों को शिक्षा देने का काम करते हैं, उनको मोटिवेट करने का काम करते हैं, एक अपने समाज से जुड़ने का काम करते हैं कि हमारे साथ जुड़ के चलो, हमारे साथ थोड़ा सा सहयोग दो अपने समाज के लिए। बस हमारे यही है कि हम इसी कार्य पर प्रगति हैं पर हैं और हम अभी अपने सभी समाज के लोगों का सहयोग चाहते हैं। जय भीम। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ कुमार है। जी यहीं से ही हो? सादुल्लापुर ग्रेटर नोएडा वेस्ट, मेरा गांव है। मैं अपने समाज को खाली एक यही कहना चाहूँगा कि नशे पते से ज़्यादा दूर रहें और शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दें। मैं चाहता हूँ भाई, हमारा समाज पढ़ेगा लिखेगा तो हमारे समाज से ही आगे IAS PCS बन के बाहर निकलेंगे और नशे से दूर रहेंगे। और देखो, एक बात है, हमारे जो एक राइटर हैं अब्राहम लिंकन साहब ने, उन्होंने एक बात ही बोली है इसी में, अंग्रेजी में, कि एजुकेशन इज़ द बेस्ट वेपन दिस वर्ल्ड। तो शिक्षा एक भाई बहुत ऐसा अच्छा हथियार है कि उसे यूज करो अच्छी तरीके से, पढ़ो लिखो और भाई आगे बढ़ो। तो बड़े वो वाली बात है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया और पढ़ेगा समाज तो बढ़ेगा समाज। धन्यवाद। जी सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम साहिल दीनवाल है। जी, आप यहीं से ही हो? मैं गांव सैनी का ही रहने वाला हूँ और मैं काफ़ी संगठनों से जुड़ा हुआ भी हूँ, जैसे कि राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज, मानव अधिकारी और भारतीय वाल्मीकि समाज चेतना मंच, और मैं पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूँ, जो जिसके अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजेश कुमार सिद्धार्थ वाल्मीकि जी हैं। अभी जो युवा शक्ति संगठन का कारवा आज से जारी किया है भाइयों ने, मैं सभी का पहले तो सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ। और मैं इनके साथ, भाइयों ने बहुत ही मुद्दे की बात रखी है, सबसे पहले तो एजुकेशन का मुद्दा, ये सबसे बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि हमारे पास एजुकेशन का बहुत बड़ा मुद्दा है और एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा बच्चों के पास भी, माता पिताओं के पास भी, क्योंकि सभी। और दूसरा मुद्दा हमारा है सफाई कर्मचारियों का मुद्दा, क्योंकि ज़्यादातर हमारे समाज के जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा सफाई कर्मचारी हैं। सही बात है। और सफाई कर्मचारियों का मुद्दा इतना अहम मुद्दा है कि अगर हम उसको जिस दिन ठेकेदारी प्रथा ख़त्म करा देंगे तो उस दिन हमारा समाज और हमारे लोग ऑटोमेटिकली ही मजबूत हो जाएंगे और उनका संगठन भी बहुत बड़ा मजबूत हो जाएगा। दूसरा मुद्दा हमारा आर्थिक मुद्दा है। आर्थिक मुद्दा हमारा ये है कि जितना स्थिति इतनी डामाडोल है, महंगाई इतनी हो रही है, आज अपने बच्चे को वो अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहा, अपना घर का पालन पोषण नहीं कर पा रहा। किस वजह से? क्योंकि आज उसके पास एक टाइम का भोजन करने का पैसा नहीं है। तो आर्थिक स्थिति कैसे बढ़ाई जाए? आर्थिक स्थिति, अभी भाइयों ने संगठन की बात करी है तो मैं इनसे कहूँगा कि भाइयों, गली गली, घर घर समाज के जाएं और हर बंदे से 20-20 रुपए का चंदा उगाएं। तो हर गांव में 150-200 घर तो होंगे, अगर एक घर से 20-20 रुपए भी लिए तो बहुत होगा, और उसी चंदे को लेकर के हम इस संगठन में लगाएंगे तो हम भी मजबूत, समाज भी मजबूत और हमारे जो आने वाली पीढ़ियां वो भी मजबूत हो जाएंगी। तो मैं तो यही बात कहूँगा। और राजनीतिक मुद्दा बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास जब हम कहीं, मान लो आज किसी उसमें फंस जाते हैं क्राइम में, तो और लोगों के पास पैसे से मजबूत है वो, धन बल से मजबूत है वो। हमारे लोग जब राजनीतिक में भी होंगे तो वो प्रेशर, राजनीतिक प्रेशर भी बहुत ज़रूरी है उनके ऊपर। तो मैं तो अपनी इन्हीं बातों को विराम देता हूँ और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कैमरामैन अंकित के साथ दिनेश वाल्मीकि, धन्यवाद।